आज हम लोग राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह बात अपने ध्यान में लाने की आवश्यकता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन जब प्रारंभ हुआ, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रादुर्भाव यूनानी विद्वान अरस्तु के समय से माना जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यूनान के अरस्तु के काल से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध तक का राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो विषय है, क्षेत्र है, वह राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमें राजनीति विज्ञान का अर्थ, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और इसकी विशेषताएं, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसमें विभिन्न विद्वानों या विभिन्न मतों के द्वारा राजनीति विज्ञान से क्या अभिप्राय माना गया है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं या उनका जो अर्थ समझाया गया है, उसमें सर्वप्रथम आता है शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थात शब्द से जो उत्पत्ति हुई है उसके अनुसार। राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस शब्द जो है वह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। इस प्रकार राजनीति विज्ञान नगर राज्य से संबंधित अध्ययन है। दूसरा जो मत है वह है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, अर्थात भारतीय विद्वानों का जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मत है वो क्या कहता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान जो है वह दंडनीति का शास्त्र है, अर्थात उन्होंने राजनीति विज्ञान को दंडनीति के रूप में परिभाषित किया है। राजा को दंडधर माना गया है और शासन की शक्ति को दंड माना गया है। इस प्रकार शासन शक्ति का अध्ययन, दंड नीति का अध्ययन, यह राजनीति विज्ञान के अंदर समाहित है। एक अन्य मत है पाश्चात्य विद्वानों का, अर्थात पाश्चात्य विद्वान राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत पाश्चात्य दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के जो है दृष्टिकोण, उसके अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया है। एक मत है विद्वानों का या एक जो गुट है वह कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य से संबंधित अध्ययन है। विशेषतः गार्नर इस जो मत है इसके समर्थक हैं। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात इन विद्वानों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान जो है वह केवल राज्य से संबंधित है। गार्नर के अतिरिक्त गेरिज, ब्लंशली आदि प्रमुख विद्वान इस मत के समर्थक हैं। जो दूसरा दृष्टिकोण है या दूसरा मत है वह है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। इस मत के समर्थक जो प्रमुख विद्वान हैं उसमें लीकॉक और सीले आते हैं। ये विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह सरकार से संबंधित अध्ययन है, अर्थात सरकार का अध्ययन किया जाता है। लीकॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। जो तीसरा मत है
वह है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। इस मत या दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उन विद्वानों में प्रमुख रूप से गिलक्राइस्ट, लास्की, गेटेल, पॉल जेनेट आदि आते हैं। ये विद्वान कहते हैं कि राजनीति शास्त्र ना केवल राज्य का वरन सरकार का भी अध्ययन करता है, अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह अंग है जो राज्य के आधार पर शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, अर्थात पॉल जेनेट ने राजनीति विज्ञान को राज्य और शासन अर्थात सरकार के से संबंधित माना है। जो एक अलग दूसरा मत है वह है मानवीय अध्ययन के रूप में, अर्थात राजनीति विज्ञान जो है वह परंपरागत जो विद्वान हैं उनकी भी मान्यता यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव विषयक जो मौलिक मान्यताएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्रीय अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं के उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु अध्ययन की यह शाखा विकास क्रम में सटीक परिभाषा की तलाश में है। क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसके अर्थ से संबंधित कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एक कार्यकारी परिभाषा ही इसकी अभिव्यक्त कर सकते हैं ताकि हम इसका एक अभिप्राय बता सकें। इसीलिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत इसके संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका आकलन करके हम एक सर्वमान्य परिभाषा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र। जिस प्रकार से विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अर्थ को विभिन्न वर्गों में बांटा, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न वर्गों में बांट दिया। जहां प्राचीन विद्वान राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत यूनान जगत के संपूर्ण नगर राज्य का अध्ययन करते थे और यूनान काल में नगर राज्य और समाज के मध्य भेद नहीं किया जाता था, इस मायने में संपूर्ण समाज व राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आता था। यह मान्यता प्राचीन विद्वानों की है। जो आधुनिक विद्वान हैं वह राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसको मात्रात्मक रूप से कम मानते हैं, किंतु गुणात्मक रूप से इसका क्षेत्र को विस्तृत मानते हैं। उनकी मान्यता है कि यह क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। राजनीति विज्ञान के जो विस्तार की जो सीमा है उसके अंतर्गत हम उसका वर्गीकरण हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम केवल राज्य का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम केवल सरकार का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग राज्य सरकार दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम इस मत के समर्थक विद्वानों के बारे में बात करते हैं तो विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत राज्य के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन, राज्य की वर्तमानकालीन स्थिति का अध्ययन, राज्य की भविष्यकालीन स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जब हम सरकार के अध्ययन के रूप में बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार की संगठन,
सरकार की कार्यप्रणाली, उसके क्रियाकलाप आदि का अध्ययन किया जाता है। एक मत जो कि मानव के अध्ययन पर भी बल देता है, अर्थात जिनकी मान्यता यह है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मानव का अध्ययन भी किया जाता है, तो यह अध्ययन भी प्रमुखतया उन मानवीय गतिविधियों का करते हैं जो कि राज्य और सरकार से संबंधित है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह आदि का अध्ययन। राजनीतिक की से परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रसंघ हुआ, संयुक्त राष्ट्रसंघ हुआ, इस प्रकार से उनकी संरचना कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारकों और विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है। किंतु जब हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के संदर्भ में, तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की के अंतर्गत जो संगठन हैं या जो संस्थाएं हैं उनकी संरचना और उनकी कार्यप्रणाली, केवल उनका ही अध्ययन करते हैं। अब हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी क्या विशेषताएं हमारे समक्ष उभर कर आती हैं, उन पर चर्चा करते हैं। विभिन्न विद्वानों के मतों के अध्ययन के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और हमें यह ज्ञात होता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान जो है वह संस्थात्मक अध्ययन है, अर्थात जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता था, उनकी बनावट, उनकी कार्यप्रणाली आदि का अध्ययन। दूसरा विशेषता जो है वह है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीतिक विचारक थे उनका जो प्रभाव है वह स्पष्टतया परिलक्षित होता है, अर्थात जो विद्वानों के व्यक्तिगत मत मतांतर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्पष्टतया दिखते हैं, अर्थात यह मूल्य निरपेक्ष अध्ययन ना होकर के मूल्य सापेक्ष अध्ययन के रूप में दृष्टिगत होता है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता हमारे समक्ष उभर कर आती है वह यह है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह मूल्य आधारित अध्ययन है, एक आदर्शात्मक अध्ययन भी है। मूल्य आधारित अध्ययन मतलब कि कोई भी अध्ययनकर्ता जो विषय का अध्ययन कर रहा है वह अपने व्यक्तिगत मूल मान्यताओं या मतांतरों को अपने अध्ययन से पृथक नहीं रख पाता है, वह मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन नहीं कर पाता है, वरन मूल्य सापेक्ष अध्ययन करता है। एक जो अगली विशेषता हमको दृष्टिगत होती है वह है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो राजनीति शास्त्र है उसका अध्ययन एक आदर्शात्मक अध्ययन है, अर्थात हम एक आदर्श स्थिति की परिकल्पना करते हैं, अर्थात हम क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बल देते हैं। और एक जो अतिरिक्त विशेषता हमको नजर आती है वह है अधि अनुशासनात्मक अध्ययन, अर्थात एक ही विद्वान के द्वारा एक से अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति स्पेसिफिक स्टडी नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र की स्टडी नहीं करता है, वह विभिन्न विषयों के अध्ययन पर बल देता है।